हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बड़ों को नमस्ते इन पहला, छोटों को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना मॉर्निंग से, और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजने वाले हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या चल रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अभी हमारे बच्चे ना सो रहे हैं और बाकी बड़े लोग सब उठे हुए हैं। ये देखो सब बैठे हुए यहाँ पे। ये गुड मॉर्निंग, योगा भी चल रहा है। योगा से ब्लॉग बनाएंगे। और जो पापा कर रहे हैं वो दिखाती हूँ ना मेन। ये देखिए पापा क्या कर रहे। गुड मॉर्निंग। मैं जो है इसमें खीरा रखे हैं, खीरा को छील करके अब हम इसको कद्दूकस में कस रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या बनाने की तैयारी है? बड़ी उड़द की दाल पीसी जा रही है। हाँ, पहले भिगाया उड़द की दाल को। हाँ, और इसके बाद अब इसको पीस रहे हैं मिक्सी में। हाँ, और इसके बाद दोनों को इसमें उड़द की दाल को डालेंगे। इसके बाद जो है कि इसकी बड़ी बनाई जाएंगी। ये निचोड़ रहे पापा इसको। तो जो है ये बड़ी बनाने की तैयारी हो रही है, खीरे की बड़ी। अभी जो है उड़द की दाल पीसेंगी मम्मी, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको बड़ी कैसे बनाते हैं। तो जो है यहाँ पे मम्मी दाल पीस रहे हैं। देखो कल हमने उड़द की दाल भिगा दी थी, ये सुबह इसका छिलके विलके उतार लिए थे मम्मी ने। और जो है अब यहाँ पे मम्मी इसको पीस रही है। देखो ऐसा पीसना है, ये थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए, मोटा मोटा। तो जो है ये मम्मी ने डायरेक्ट पीस के इसी में मिक्स कर दिया है। अभी सारा दाल पीस के इसमें डालेंगी मम्मी। तो देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे दाल और खीरा, जो कसावा खीरा था वो मिक्स कर दिया है अच्छे से। और उसकी अब बड़ी बना रहे हैं मम्मी पापा। देखो ये मम्मी बना रही है यहाँ पे बड़ी इस तरीके से। ये फट्टे हमने रखे हुए हैं ताकि इसमें सुखाने में सही रहता है ना, फिर इनको धूप में छत पे रख दिया जाएगा। तो गाइस देखिए, अभी जो पापा वो खीरे को निचोड़ के जो रख रहे थे ना, उसका हमने बना लिया ये डिटॉक्स जूस। ये हमारा जूस है और इससे मतलब ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो हमने कहा चलो हम पीते हैं, एक ग्लास सबको देते हैं। ये लो मम्मी, अपना ग्लास पकड़े। हाँ, ये मम्मी पियेंगी जूस। ये लीजिए भाभी। Yes! कैसा हो रहा भाभी? सुबह सुबह ऐसा जूस मिल गया। हाँ मम्मी, कैसा लग रहा है? तो गाइस अब हम डायरेक्ट आप लोगों से मिल रहे हैं सीधे शाम को। वैसे रोज ही होता है मेरा ये डायलॉग है ना। वो हमारी दिशु क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही हो दिशु? देखो इसको मतलब एग ब्रेक करना भी आता है। देखो वेरी गुड। और अभी हो रहा हमारा चाय का टाइम है, 6:30 बजने वाला है। तो अभी हमारे शाम के काम हो रहे हैं। हमारी प्यारी भाभी चाय बना रही है, ये हम चाय पियेंगे। और जो है बच्चों के लिए बन रहा है ऑमलेट। ये देखो हमारी दिशु भी काम करती है, वो जो है एग ब्रेक करके दे रही है। और जो कि दीवी को भी ऑमलेट देंगे हम अभी। यहाँ पे एक ऑमलेट यहाँ पे बन रहा है, तो अभी यही चल रहा है। और बाहर मम्मी पापा यहाँ पे चाय पी रहे हैं। मैंने सोचा था शॉप जाऊंगी, लेकिन आज शॉप में नहीं जा पाई क्योंकि दीवी कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी आज। उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज नहीं जाते। गाइस हम लोग बैठे हैं यहाँ पे चाय पीने, और साथ में क्या कचरी लेके। ये देखो कॉफी, ये कॉफी। भाभी चाय नहीं पीती, ये भी बता दूं आपको कचरी। और ये कचरी देखे दीवो हमारी आज थोड़ा लो फील करी। दीवो देखो बेटा ऑमलेट खाओ। मम्मी ने चाय पी ली है लेकिन कचरी भी खा रही है भाई मम्मी। और जो है यहाँ पे कपड़े भी साथ साथ में फोल्ड हो रहे हैं। देखो देखे गाइस, इन दोनों में हो रही है यहाँ पे लड़ाई। क्या लड़ाई हो रही? ये कुछ नहीं बचा उसमें, लेकिन इन दोनों की लड़ाई ये। और खाने उसको देखिए इसमें, देखो खाली कर दिया बेचारे। गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर,
और जो है बहुत अच्छी हवा चल रही है, आज बहुत गर्मी है, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर हम बाहर टहल लेते हैं, भाभी की लैंग्वेज में टहल लेते हैं। ओके, ये रही भाभी, देखो, और ये मम्मी भी जा रही है। हम सोच रहे कि थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। ये देखो गाइस, दीवू मेरी गोदी में आ गई है। दीवू के आज थोड़ी सी हिम्मत कम हो रही है चलने की, ये थोड़ा सा कह रही कि मम्मा गोदी ले लो, मैंने से कहा बॉल घर पे रखा, कह रही दिशु दीदी भी लेकर जा रही मम्मा। हम तीनों जा रहे हम लोग घूमने, मम्मी हमारे साथ घूमने नहीं जा रही हैं, और हमने मम्मी को मनाया और अब जाके मम्मी हमारे साथ चल रही हैं। जो है मम्मी हमें बच्चा पार्टी को लेके जा रहे हैं, देखो बच्चा पार्टी को, ये दिशु देखो, दिशु दिशु हैप्पी आज जा रही है ना दिशु घूमने, तो दिखाते हम आपको आगे कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं। ये देखो अब हम जाएंगे यहाँ से, बेटा हम घर जा रहे वापस, ये भी हमारे घर का रास्ता है। तो देखिए गाइस, ये हमारे घर का पीछे का हिस्सा है, ये देखो आगे हमारे पापा खड़े हैं। ये विदित लोगों का प्लॉट है, विदित से मिलाया था मैंने आपको, उन लोगों का प्लॉट है ये। तो अंकल भी खड़े हैं, अंकल ने यहाँ पे बहुत कुछ लगा रखा देखो। और ये हमारी दीवू, ये देखो दीवू बॉल पकड़ के जा रही है, मेरी कुटरू, और वो दिशु दीदी। एरिया हमारे घर के पीछे का बैक एरिया है, और ये बीच में प्लॉट है, और ये वाला जो एरिया है अन्नू लोगों का। पर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे ज्यादा गर्मी होती नहीं है और बहुत अच्छी सी हवा चल रही है। हमारे बच्चों का मन हो रहा है यहाँ पे खेलने का, चलो दीवू आ जाओ। हाँ फिर जब गांव में जाओगी तो कैसे चलोगी, ऐसे ही रास्ता होता है वहाँ पे, पता है आपको। ये दिशु आ गई हमारी, दिशु को बहुत मजा आ रहा है। ये गार्डन कहाँ है, गार्डन है, सब गार्डन ही तो है, बहुत दूर जाना है गार्डन पे, दूर जाना है, दूर यहाँ कोई गार्डन है ही नहीं बेटा, गार्डन यही होता है यहाँ का। तो भाई हमारी दिशु का जो है बॉल जो है फट चुका है, क्योंकि वो किसी तीखी चीज पे लग गया था, और उसका इसने बना लिया, क्रिएटिव है इसने बना ली दो हैट, जो कि एक दीवी को भी दे दी। ये देखो दीवी की हैट दीदी ने बनाई ना, अच्छा लग रहा है। तो ये है बच्चों के काम, और हवा बहुत अच्छा चल रही है यहाँ पे, बहुत एकदम महला खुला है, कितना अच्छा है ना यहाँ पे सब पास में। ये सब देखिए आप, कितना अच्छा मतलब सीन है, आप खुद देखिए, ग्रीनरी भी है, कुछ कुछ मिट्टी मिट्टी भी है, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आपको देखने से। इस हमारे बच्चों को लग गई है प्यास, तो हम लोग बस घर के लिए ही निकल रहे थे, बाकी आज हमने घर के पास का जो भी एरिया है वो हमने आपको दिखाया। भाभी के साथ जा रहे दोनों, इस अंधेरा हो चुका है और हम लोग आ गए हैं घर के अंदर, और बच्चों को भी प्यास लग गई थी और हमें भी लग चुकी है, तो बाकी और काम करते हैं, खाना बनाना है, सब्जी बनानी है, आज हम तुरई की सब्जी बनाने वाले हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये भी आ गया, ये दोनों बच्चों ने मुझे ऐसे परेशान करके रखते हैं ना। चलिए गाइस हम लोग रोटी वोटी बनाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। किसने बोला उड़ती उड़ती खबर आई है ये, मुश्किल पे क्या चल रहा है ये, ओ सेवा, तेल लगाया माँ की सेवा, ये है कलयुग के बेटे। देखो मम्मी कैसा फील हो रहा आपको, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, मालिश मालिश करता रहता है ये तेल से, तब मैं कुछ कर दिया मम्मी ने। ये देखो ये देखे,
वेरी गुड वेरी गुड, सेवा करता बेटा। हाँ, वो तो करता है। श्रवण कुमार, ये है मम्मी के श्रवण कुमार। तो गाइज, अब हमारी रोटी वोटी बन चुकी है और अब हम करेंगे डिनर। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही, यहीं पर मैं ब्लॉग का एंड करूंगी। मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग को भी और ब्लॉगों की तरह ऐसे ही प्यार दीजिए। और अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि हमारे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। और हाँ, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बाय बाय। पर मम्मी का मुंह कैसा हो रखा था बताएंगी मम्मी, कैसा हो रखा था मम्मी, कैसा ये देखो ऐसा हो रखा था मम्मी का मुंह कल। कैसा आज, कैसा हो रहा है मम्मी? और आज कैसा हो रखा? ठीक है, आज ऐसा वाला हो रखा है। अरे वाह।